क़याम पाकिस्तान से कई वर्ष कबल मोहम्मद अली जिन्ना तिपेदिक या टीबी की मोहलिक बीमारी का शिकार हो चुके थे, जिसके बायस इनके फेफड़ों पर धब्बे आ गए थे। लेकिन इन्होंने इस बात को सीगाराज में रखा क्योंकि कांग्रेसी रहनुमाओं और लॉर्ड माउंट पैटर्न को अगर इसका इल्म हो जाता तो शायद वो तकसीम हिंद से बचने और पाकिस्तान का क़याम अमल में आने से रोकने के लिए कायदे आजम की मौत का इंतजार करते। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के सवाने निगारों के मुताबिक सन 1930 से जिन्ना तिपेदिक का शिकार चले आ रहे थे और ये बात सिर्फ इनकी बहन और इनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर इलाही बख्श को मालूम थी। कहा जाता है कि जिन्ना ने अपनी बीमारी को छुपाया क्योंकि ये इन्हें और क़याम पाकिस्तान की तहरीक को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा सकती थी। सन 1938 में अपने एक दोस्त को ख़त में वो लिखते हैं कि तुमने अखबार में मेरे दौरों के बारे में पढ़ा होगा, मैं अपनी खराबी सेहत की वजह से अपने दौरों में बेकायदगियों का शिकार था जिसकी वजह मेरी खराबी सेहत थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपनी किताब माई ब्रदर में लिखती हैं कि जिन्ना अपनी कामयाबियों के दौर में भी सख्त बीमार थे। वो जुनून की हद तक पाकिस्तान को सहारा देने के लिए दिन रात काम करते थे और जाहिर सी बात है कि इन्होंने अपनी सेहत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था। जिन्ना अपने मेज़ पर अपने पसंदीदा सिगरेट और क्यूबा का सिगार हमेशा रखते थे और अपनी ज़िंदगी के आखिरी वर्षों में इन्होंने सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा कर दी थी। गवर्नमेंट हाउस कराची के प्राइवेट हिस्से में वो आराम के लंबे वक्फे लेने लगे थे और फातिमा जिन्ना और ज़ाती अमले को ही इनके करीब रहने की इजाज़त थी। जून सन 1948 में वो और फातिमा जिन्ना बेहतर आबो हवा के लिए कोयटा रवाना हुए, जहाँ की हवा कराची के मुकाबले सर्द थी। लेकिन वहाँ भी जिन्ना ने मुकम्मल आराम न किया बल्कि वापस कराची आने तक मुख्तलिफ सरकारी तकरीबात में शिरकत करते रहे। 6 जुलाई सन 1948 को जिन्ना वापस कोयटा रवाना हुए और डॉक्टरों के मशवरे पर मजीद बुलंद सियाहती मुकाम ज़ियारत मुंतकिल हो गए। इस दौरान जिन्ना का तिब्बी मुआयना किया गया और इनकी सेहत की नज़ाकत को देखते हुए बेहतरीन डॉक्टरों को इनके इलाज के लिए बुलवा लिया गया। इनके मुख्तलिफ टेस्ट हुए जिन्होंने टीबी की मौजूदगी और फेफड़ों के सरतान का बताया। जब कायद आजम के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर इलाही बख्श ने कायद को बताया कि वह फेफड़ों के मर्ज में मुबतला हैं तो जिन्ना बोले कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने अपनी बीमारी को इसलिए छुपा कर रखा कि कहीं कांग्रेसी और अंग्रेज़ इसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के क़याम को इल्तवा में न डाल देते। जिन्ना को उस दौर की मौजजाती दवाई स्ट्रेप्टोमाइसिन दी गई लेकिन कुछ अफाका न हुआ। लोगों की नमाज ईद में इनके लिए की गई खसूसी दुआओं के बावजूद जिन्ना की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती गई। जिन्ना को मुल्क के पहले यौम आज़ादी से एक दिन कबल 13 अगस्त को कम ऊंचे मुकाम कोयटा लाया गया। इन्होंने उस दिन की मुनासबत से एक पैगाम जारी किया। उस वक्त कायद का वजन गिर कर महज 36 किलोग्राम रह गया था। डॉक्टर्स को यकीन था कि अगर इस हालत में इन्हें कराची जिंदा ले जाया गया तो तब भी ये कम ही अरसा जी पाएंगे, लेकिन जिन्ना कराची जाने पर तजब्जुब का शिकार थे। वो नहीं चाहते थे कि इनके मालिक इन्हें बेकार स्ट्रेचर पर बिठाकर माजूर ख्याल करें। 9 सितंबर को जिन्ना को नमूनिया ने भी आ घेरा। अब डॉक्टरों ने इन्हें कराची लौटने का मशवरा दिया जहां वो इनका बेहतरीन इलाज कर सकते थे। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना 11 सितंबर को कराची रवाना हुए। इनके ज़ाती मौलवी डॉक्टर इलाही बख्श का अंदाज़ा है कि जिन्ना की कराची जाने की रजामंदी इन्हें अपनी ज़िंदगी से मायूस होने की वजह से थी। जब तैयारी ने कराची लैंडिंग की तो फौरन जिन्ना को एक एम्बुलेंस में लिटा दिया गया, लेकिन बदकिस्मती कि एम्बुलेंस आधे रास्ते में ख़राब हो गई। जिन्ना और इनके रुफाका 2 घंटे सड़क पर मुतबादिल एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। इन्हें कार में बिठाया नहीं जा सकता था क्योंकि सीधे बैठने के काबिल ना थे। दूसरी एम्बुलेंस पहुंची तो जिन्ना को सरकारी घर मुंतकिल किया गया। यूँ शाम 6:10 पर वो गवर्नर जनरल हाउस पहुंचे। एयरपोर्ट से रिहायशगाह तक 9 मील का फासला जो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में तय हो जाना चाहिए था तकरीबन 2 घंटों में तय हुआ, यानी 2 घंटे कोयटा से कराची तक और 2 घंटे एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस तक। ये तकलीफ दे सफ़र जिन्ना ने उस कसम पुरसी के आलम में किया कि हमारी तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और ना ही कोई इसकी तौजीह मिलती है। गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने के बाद जिन्ना फकत 4.25 घंटे जिंदा रहे और इस दौरान वो तकरीबन गुनूदगी के आलम में ही रहे। डॉक्टरों ने इन्हें ताकत का एक इंजेक्शन लगाया और डॉक्टर इलाही बख्श के बकौल जब इन्होंने होश में आने पर जिन्ना से कहा कि ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आहिस्तगी से कहा, नहीं, मैं अब मजीद जिंदा नहीं रहूँगा। डॉक्टर इलाही बख्श के मुताबिक यह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के आखिरी अल्फाज थे। डॉक्टर रियाज अली शाह ने लिखा कि जिन्ना के आखिरी अल्फाज थे अल्लाह पाकिस्तान, जबकि फातिमा जिन्ना माई ब्रदर में लिखती हैं कि उनके भाई जिन्ना ने 2 घंटे की पुरसकून और बेखलल नींद के बाद अपनी आंखें खोली, सर और आंखों से मुझे अपने करीब बुलाया और मेरे साथ बात करने की आखिरी कोशिश की। इनके लबों से सरगोशी के आलम में निकला फातिह खुदा हाफिज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर इनका सर दाएं जानिब को आहिस्तगी से ढलक गया और इनकी आंखें बंद हो गईं। यूं 11 सितंबर सन 1948 को पाकिस्तान बनने के सिर्फ 1 बरस बाद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इंतकाल फरमा गए। पाकिस्तान एट दी हेम नामी किताब लिखने वाले भारतीय मुसनिफ तिलक देवेश्वर बताते हैं कि जिन्ना के एक ज़ाती मौली डॉक्टर पटेल बहुत ही पेशावर डॉक्टर थे, लिहाजा क़याम पाकिस्तान से कबल उन्होंने किसी को जिन्ना की बीमारी की खबर नहीं होने दी। बरेस्कीर की जदोजहद आज़ादी के मौजू पर लिखी गई फ्रीडम एट मिडनाइट के मुसनफिन लैरी कॉल्स और डोमिनिक लैपियर लिखते हैं कि अगर अप्रैल सन 1947 में माउंट पेटन
जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी में से किसी एक को भी जिन्ना के इस गैर मामूली राज का इल्म हो जाता जो बम्बई के एक मशहूर तबीब डॉक्टर जे ए एल पटेल के दफातर की तिजोरी में इंतहाई हिफाजत से रखा हुआ था तो शायद हिंदुस्तान कभी तकसीम ना होता और आज एशिया की तारीख का धारा किसी और रुख पर बह रहा होता। ये वो राज था जिससे बरतानवी सीक्रेट सर्विस भी आशना न थी। ये राज जिन्ना के फेफड़ों की एक एक्सरे फिल्म थी जिसमें बानी पाकिस्तान के फेफड़ों पर टेबल टेनिस की गेंद के बराबर दो बड़े बड़े धब्बे साफ नजर आ रहे थे। हर धब्बे के गिर्द एक हाला सा था जिससे ये बिल्कुल वाजे हो जाता था कि टीबी का मर्ज जिन्ना के फेफड़ों पर किस कदर जारहाना अंदाज में हमलावर हो चुका है। डॉक्टर पटेल ने जिन्ना की दरख्वास्त पर इन एक्सरेज के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। ताहम उन्होंने जिन्ना को इलाज और सेहत याबी के लिए ये मशवरा जरूर दिया कि इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ आराम में मुजबिर है, मगर बानिए पाकिस्तान के पास आराम का वक्त कहाँ था। उनके पास वक्त कम और काम बहुत ज़्यादा था और वो बाकायदा इलाज का अहतमाम कभी ना कर सके। वो इतनी आहनी हिम्मत के मालिक थे कि इन्होंने अपने मर्ज के बारे में अपनी अजीज तरीन बहन को भी आगाह नहीं किया। हत्ता कि इन्होंने डॉक्टर इलाही बख्श को भी अपने इस राज से उस वक्त आगाह किया जब वो खुद यही तशखीस कर चुके थे। माउंटबेटन ने खासे तवील अरसे बाद लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर को एक इंटरव्यू में बताया कि सारी ताकत जिन्ना के हाथ में थी। अगर किसी ने मुझे बताया होता कि वो बहुत कम अरसे में ही फौत हो जाएंगे तो मैं हिंदुस्तान को कभी तकसीम ना होने देता। ये वाहिद सूरत थी कि हिंदुस्तान मुत्तहिदा सूरत में बरकरार रहता। रास्ते का पत्थर सिर्फ मिस्टर जिन्ना थे, दूसरे रहनुमा इस कदर बेलोच नहीं थे और मुझे यकीन है कि कांग्रेस इन लोगों के साथ किसी मुफाहमत पर पहुंच जाती और पाकिस्तान ताकयामत वजूद में ना आता। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।